हिंदू युवा मंच के बैनर तले अधिकार मार्च निकालकर गरीब महिलाओं ने निगम कार्यालय का घेराव किया। दुर्ग महापौर और निगम आयुक्त को सुनाई अपनी पीड़ा। हिंदू युवा मंच की बैनर तले मंगलवार को सैकड़ों महिलाओं ने अधिकार मार्च निकालकर निगम कार्यालय का घेराव किया। पार्षद अरुण सिंह के नेतृत्व में पहुंची गरीब महिलाओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए बनाई गई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर निगम की कांग्रेस सरकार द्वारा बंदरबांट किया जा रहा है। इस मौके पर हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता व पार्षद अरुण सिंह ने कहा कि निगम में कांग्रेस की सरकार काबिज होते ही उन्होंने गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की योजनाओं का बंदरबांट किया। अपने चहेते कार्यकर्ताओं को उन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसमें गरीब महिला स्व सहायता समूह के लिए चलाई जा रही सार्वजनिक शौचालय संचालन की जिम्मेदारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सौंप दी गई है, जिससे गरीब महिलाओं के अधिकार का हनन होने की बातें कही। उन्होंने गरीब महिलाओं का हक प्रदान करने की मांग की और अधिकार रैली निकाला। केंद्र सरकार पैसा भेज रही है इसका उत्थान के लिए, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका आने वाला कल बेहतर हो, इसके लिए कई योजनाएं चल रही, रेडी टू वी, रैन बसेरा, जितने भी शौचालय हैं उसको ये लोग चलाएं, जिससे इनका उत्थान हो सके, एक बेहतर इनका परिवार का व्यवस्था हो सके, इनका एक स्तर उठ सके। ये सब लोगों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएँ लाई, पर क्या हुआ कि राज्य सरकार में जब सरकार चेंज हुआ तो इन्होंने क्या किया कि अपने ही कार्यकर्ता, अपने एल्डरमैन, अपने पार्षद, अपने जिला अध्यक्ष लोगों को बांट दिया, क्योंकि एक शौचालय के व्यवस्था से इनको 10-15 हज़ार महीना मिलता है, तो इन सबका अधिकार छीन के इन्होंने अपने लोगों को सुदृढ़ करने की कोशिश की। कमजोर वर्ग के लिए बना था, पर जो खुद पहले से सक्षम लोग थे उनको ये दे दिया गया। ये सब का विरोध करने के लिए आज महिलाएं रोड पे आई हैं कि एक दिन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस मना लो, फूल दे दो। अभी महापौर जी बोल रहे छाछ दे देता हूँ, पी के चले जाना, परिवार के छाछ की व्यवस्था करिए, एक व्यक्ति को पिला देने से कुछ नहीं होगा। तो आज ये सब महिलाएं उसी के लिए आज निगम के दरवाजे पे आई है कि हमारे अधिकार को ना छीनो। आज एक दिन का कार्यक्रम करके, दिखावा करके, सवेरे पेपर में बड़े बड़े आ गए, महिला दिवस मनाया गया, और फिर महिलाओं की स्थिति सुधर नहीं रही, उनका जो दिनचर्या है उसमें बदलाव आना चाहिए, उसको नहीं हो पाने के कारण आज महिलाएं रोड पर उतरी हैं, नगर निगम के पैदल मार्च किया है। अपने अधिकार सौंपा गया था तो विपक्ष आवाज़ क्यों नहीं उठाया था? नहीं सौंपा गया होगा इसीलिए चुप थे, या तो उनको दिया गया था तो इनको भी बराबर मिला होगा इसलिए चुप थे। चुप क्यों थे? आप उनसे ये सवाल करिए कि अगर उस समय था तो इन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? गलत का विरोध करने के लिए ही विपक्ष होता है। तो क्या माना जाए, नहीं काबिल है कि नहीं है, वो तो खुद ही सक्षम है समझने के लिए। आप खुद समझते हैं, एक चीज़ का वो आवाज़ नहीं उठा पाते, हर चीज़ को हल्ला करके चुप हो जाते हैं। इतने दिनों में सामान्य सभा नहीं होता, वो चुप बैठे रहते हैं। उनके चुप होने का कारण वो खुद जवाब दो कि इतनी चुप्पी क्यों है, चाहते क्या है, या कहीं से उनको आदेश आता है वो हिसाब से चलते हैं, या खुद ही कुछ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।